हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं धीरेंद्र सर, आज जैक तथा सीबीएसई बोर्ड के लिए कीपिंग क्वाइट का शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं। तो प्यारे बच्चों, जिन जिन विद्यार्थियों ने कीपिंग क्वाइट का मेरा दोनों वीडियो देखा होगा, निश्चित रूप से उस पोएम से संबंधित सारे कंटेंट और कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आप में से बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अब क्वेश्चन आंसर खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको थोड़ी बहुत परेशानी राइटिंग स्किल में होता होगा। तो चलिए, आज हम कीपिंग क्वाइट के सारे क्वेश्चंस को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और तब फिर हम लोग आराम से इस पर बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी समझ में आ जाएगा वेरी इजिली। नाउ, हु इज द पॉइंट ऑफ कीपिंग क्वाइट? इस क्वेश्चन आंसर को करने के पहले, अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अभी अभी मुझसे जुड़ रहे हैं, मैं उन्हें सलाह देना चाहूंगा कि YouTube पर मेरा हाउ टू इंप्रूव राइटिंग स्किल या हाउ टू राइट क्वेश्चन आंसर योर सेल्फ वाली वीडियो दी हुई है। उसमें मैंने आप लोगों को टेक्निक बताया था, ट्रिक बताया था कि कैसे आप क्वेश्चन आंसर करते हो, उसको आप जरूर देख लें, तभी आप मेरे शॉर्ट क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के वीडियो को समझ सकते हैं। और आपको पता है कि इस प्रकार का काम कराने का मकसद मेरा आपकी राइटिंग को इंप्रूव करना है, साथ साथ इसके क्वेश्चन आंसर को जानना है, क्योंकि वहां मैंने आप लोगों को 324 कोड से बताया था, तो तभी आप यहां समझ पाओगे। तो हु इज द पॉइंट ऑफ कीपिंग क्वाइट? तो आपको पता है कि हु के कोई भी क्वेश्चन में पहले हम आंसर को आगे रख देते हैं, बाकी पूरा क्वेश्चन को उतार देते हैं। तो पैब्लो नेरुदा इज द पॉइंट ऑफ कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट के कवि कौन हैं? तो आप समझ गए, पैब्लो नेरुदा। What does the poet want to count only 12? नहीं, what नहीं, why? Sorry, कभी 12 तक ही केवल गिनना क्यों चाहता है? इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। The poet, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने एक चीज बताया था, क्वेश्चन जैसा हो आंसर वैसा देंगे, मतलब जिस टेंस में क्वेश्चन, कोशिश करेंगे हम उसी टेंस में आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो कवि क्यों चाहता है केवल 12 तक का गिनती करना? तो द पोएट वांट्स टू काउंट ओनली 12 बिकॉज देर आर ओनली 12 साइंस ऑन ए क्लॉक टू मेजर टाइम, या ऑब्लिक देकर के आप लिख सकते हैं आवर। यानी कवि केवल 12 तक की गिनती इसलिए करना चाहता है क्योंकि घड़ी में समय या घंटे को मापने के लिए 12 तक का निशान होता है। नेक्स्ट, बहुत सिंपल है, आपको सारा आंसर पता है। व्हाट डज द पोएट टेल अस टू डू? कवि हमें क्या करने के लिए कहता है? तो हमें पता है, द पोएट टेल्स अस टू कीप क्वाइट। कभी हमें चुप रहने के लिए कहता है, यानी इसका आंसर आप लोगों ने 34 कोड में दिया। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कीपिंग क्वाइट? चुप रहने का क्या फायदा है, क्या महत्व है? और मैंने बताया था इंट्रोस्पेक्शन का क्या फायदा, कीपिंग क्वाइट मतलब वही इंट्रोस्पेक्शन, उसके क्या फायदे हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन का सब्जेक्ट है
द एडवांटेज ऑफ कीपिंग क्वाइट इज दैट बाय कीपिंग क्वाइट, यानी उसका फायदा यह है कि चुप रह करके वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं एंड रियलाइज, महसूस कर सकते हैं आवर फॉल्ट्स डिमेरिट्स एंड वीकनेसेस, अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को और अपनी कमजोरियों को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, सो दैट ताकि वी कुड इंप्रूव आवर लाइफ्स, हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं या प्लान फॉर बेटर फ्यूचर। जब हम अपने बारे में इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तो हम बेहतर भविष्य की योजना अभी से बना सकते हैं। तो चुप रहने का यही फायदा है। बिल्कुल क्लियर हो गया? विच काइंड ऑफ मोमेंट विल इट बी, इसे बहुत इजी है, इट विल बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। आपको याद होगा कविता की लाइन, यह एक अनोखा पल होगा विदाउट रस एंड विदाउट इंजन, बिना भीड़ का और ना कोई इंजन चलेगी। आप समझ गए होंगे कवि ने जो कहा था कि अगर पूरी तरफ से कीपिंग क्वाइट कर दिया जाए तो आज कोई जब काम पर करने नहीं जाएगा तो न कहीं कोई भीड़ होगी और न कोई मशीन चलेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोएट टेल अस नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी हमें कोई भी भाषा का प्रयोग करने के लिए या बोलने के लिए क्यों नहीं कहता है? द पोएट टेल्स अस नॉट टू स्पीक एनी लैंग्वेज, कभी हमें कोई भाषा का प्रयोग नहीं करने के लिए कहता है क्योंकि समटाइम्स यानी कभी कभी, कभी कभी पीपल फाइट टू वन अनदर, एक दूसरे से, यानी लोग कभी कभी एक दूसरे से लड़ते हैं फॉर माइनर इश्यूज, छोटे छोटे मुद्दे पर, और इन द नेम ऑफ लैंग्वेज, भाषा के नाम पर, इफ दे कीप क्वाइट, अगर वो शांत रहेंगे, अगर वे चुप रहेंगे, दे मे नॉट इंडल्ज इन डिस्प्यूट एंड क्वारल, डिस्प्यूट एंड क्वारल, क्वारल मैंने झगड़ा, लड़ाई, डिस्प्यूट, 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 डिस्प्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं, विवाद है ना, झगड़ा लड़ाई यही सब डिस्प्यूट होता है। तो कहता है कि अगर वे शांत रहेंगे तो किसी भी प्रकार के झगड़ा और लड़ाई या विवाद, षड्यंत्र इत्यादि में नहीं शामिल होंगे। इंडल्ज मने शामिल होना या उलझना, ठीक है। तो कभी हमें कोई भी भाषा का प्रयोग करने के लिए इसलिए नहीं कहता है क्योंकि कई बार लोग छोटे छोटे मुद्दे के लिए आपस में लड़ते हैं, भाषा के नाम पर लड़ते हैं। अगर वे शांत रहेंगे तो किसी भी प्रकार के विवाद में नहीं उलझेंगे, क्योंकि आज कभी किसी प्रकार की लड़ाई नहीं चाहता है। व्हाट विल मैन गैदरिंग साल्ट डू टुडे, साल्ट जमा करने वाले लोग आज क्या करेंगे? आपको पता है द मैन गैदरिंग साल्ट विल लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, आज वे अपने जख्मी हाथों को देखेंगे एंड रियलाइज हिज इंजुरीज, और अपने जख्म अपने घाव को महसूस करेंगे। बिल्कुल क्लियर हो गया? यानी नमक की नमक इकट्ठा करने वाले लोग आज अपने जख्म को देखेंगे और अपने घाव और जख्म को महसूस कर पाएंगे। व्हाट आर ग्रीन वार, ग्रीन वार्स आर दोज वार्स, हरा युद्ध क्या है? तो हरा युद्ध वो है विच पोल्यूट एंड डैमेज इन्वायरमेंट, जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है। विच टाइप ऑफ वार विल इट बी, किस प्रकार की लड़ाई होगी? इट विल बी वॉर विथ गैस एंड वॉर विथ फायर,
ये गैस और आग से भरा हुआ युद्ध महाविनाशक होगा, है ना। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, आपने ऐसे ले लिया है, थैंक यू। अब मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ता हूं। तो 9 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच काइंड ऑफ विक्ट्री विल इट बी। आपको पता है विक्ट्री का मतलब विजय, किस प्रकार का जीत, विजय मतलब जीत, किस प्रकार की जीत होगी। आपको आंसर याद होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट विल बी विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, या वैसी जीत होगी जिसमें कोई जिंदा नहीं बचेगा, जीवित नहीं होगा। इट मींस नोबडी विल बी लेफ्ट टू सेलिब्रेट इट, यानी कोई भी इस जीत का जश्न मनाने के लिए जिंदा नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाट विल वारमोंगर्स, वारमोंगर शायद कविता पढ़ाते वक्त मैंने ये वर्ड यूज किया था, वारमोंगर्स मतलब युद्ध चाहने वाले लोग, युद्ध की तैयारी करने वाले लोग। डू टूडे, आज वे लोग क्या करेंगे, तो वारमोंगर्स विल पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे युद्ध कर की तैयारी करने वाले लोग। एंड वॉक विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ आज विचरण करेंगे, है ना, क्योंकि आज तो शांति है, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, तो आज दुश्मन दुश्मन भी भाई भाई होगा। इसलिए कहता है युद्ध की तैयारी करने वाले सारे लोग आज अच्छे कपड़े पहन करके अपने भाइयों के साथ विचरण करेंगे। व्हाट इज द पॉइंट एडवाइस टू द वारमोंगर्स एंड व्हाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कभी युद्ध चाहने वालों को क्या सलाह देता है और क्यों, ध्यान रहे, जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वे तभी समझ सकते हैं यदि आपने कीपिंग क्वाइट का पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो देखा है। तो द पोएट एडवाइजेस टू द वारमोंगर्स, कभी युद्ध चाहने वालों को सलाह देता है, टू स्टॉप ऑल काइंड्स ऑफ वार, सारे प्रकार के युद्ध को रोक देने के लिए, बिकॉज वॉर इज डिस्ट्रक्टिव, विध्वंसकारी एंड मीनिंगलेस, अर्थहीन, यानी युद्ध विध्वंसकारी होता है, विनाशक होता है और अर्थहीन होता है, उसका कोई मतलब होता है नहीं होता है। नो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय वॉर और फाइट, लड़ाई और युद्ध से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। तो वही सलाह देता है कि सारे प्रकार के युद्ध को रोक दिया जाए, क्योंकि युद्ध विध्वंसकारी होता है। एक इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है, इज द पोएट टॉकिंग अबाउट डेथ इन दिस पोएम। और आपको पता है कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन का जवाब या तो यस होता है या नो होता है। क्या इस कविता में कभी मृत्यु की बात कर रहा है, नो, कभी तो जीवन की बात कर रहा है। नो, द पोएट इज नॉट टॉकिंग अबाउट डेथ इन दिस पोएम, कवि इस कविता में मृत्यु की बात नहीं कर रहा है। द पोएट इज टॉकिंग अबाउट लाइफ, अबाउट ए पीसफुल सोसाइटी, पीसफुल कंट्री, पीसफुल वर्ल्ड, वेयर देयर इज नो वायलेंस, नो वॉर, नो फाइट, नो डिस्प्यूट। नेक्स्ट, व्हाट इज द सैडनेस, एक टर्म कविता में यूज है, सैडनेस क्या है। हमने लिखा है सैडनेस इज द मैडनेस ऑफ पीपल, जो सैडनेस है वो लोगों का पागलपन है। दुख क्या है, जैसे महाभारत अगर आपने देखा होगा तो युधिष्ठिर से पूछा गया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने कहा था कि लोग रोज लोगों को मरते हुए देखते हैं फिर भी लोग अपनी मौत के बारे में नहीं सोचते, लोगों को लगता हम तो हमेशा जिंदा रहेंगे। तो वही दुख है
कि ये लोगों का पागलपन है, मैडनेस ऑफ पीपुल, सॉरी थोड़ी गलती हो जाती है, इस पर ध्यान दीजिएगा, हु आर रेडी टू किल देमसेल्फ, जो अपने आप को मारने के लिए तैयार है, बट दे आर नॉट रेडी टू पुट देयर हैंड्स टुगेदर। लोगों का पागलपन यही है कि मरने के लिए तैयार है लेकिन लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। वट कैन वी लर्न फ्रॉम नेचर, प्रकृति, अर्थ जो वर्ड यूज था वहां, अर्थ मीन्स पृथ्वी, यानी पृथ्वी यहां प्रकृति से संबंधित है, तो प्रकृति से हम क्या सीख ले सकते हैं, तो वी कैन लर्न फ्रॉम नेचर दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपारेंट स्टिलनेस। हम प्रकृति से यह सीख ले सकते हैं कि शांति में जीवन होता है, बिल्कुल शांति में जीवन होता है। What will the fisherman do today? अब देखिएगा यहां मेन में जरा ध्यान दीजिएगा, MEN, एक मैंने गैदरिंग साल्ट वाले क्वेश्चन में भी मेन का प्रयोग किया था, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन में MEN रहे तो आंसर में भी MEN दीजिएगा, क्वेश्चन में अगर MAN रहे, क्योंकि MAN मैन मतलब एक आदमी, MEN मैन मतलब बहुत आदमी, इसके लिए प्रोनाउन देयर का यूज होगा और वहां हमने हीज का प्रयोग किया है, क्लियर। तो मछुआरे आज क्या करेंगे, द फिशरमैन विल नॉट गो टू द सी टूडे टू हार्म व्हेल, यानी मछुआरे आज समुद्र नहीं जाएंगे व्हेल मछलियों को क्षति पहुंचाने के लिए। तो टोटल 16 क्वेश्चन मैंने आपके बीच रखा है और इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन का मैंने नोट्स भी आपको दिया है, PDF दिया है। इन सारे चीज क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लेते हैं, इसकी तैयारी के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी तैयारी के लिए विशेष आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपने कविता को अगर समझा है बढ़िया से तो हर क्वेश्चन को आप अपने आप समझ जाएंगे, वसरते एक से दो बार आप प्रॉपरली इसको स्टडी करें, ध्यान से वाच करें कि मैंने कैसे लिखने का प्रयास किया है, एंड राइट, ट्राई टू राइट योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। पढ़ते जब आप होंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाता होगा, बट वेन एवर यू ट्राई टू राइट देन यू गेट सम प्रॉब्लम एंड दैट प्रॉब्लम विल बी रिमूव्ड बाय राइटिंग अगेन एंड अगेन। लिखने में जो भी प्रॉब्लम है वो आप बार बार लिखते रहो तभी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि एक कहावत है, राइटिंग मेकथ अ परफेक्ट मैन, लिखने से ही आप परफेक्ट बनेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों, तो मुझे लगता है कि आप सारे क्वेश्चन आंसर को बढ़िया से समझ गए होंगे, कॉपी में आप बढ़िया से उतार लीजिएगा, बार बार पढ़िएगा। थैंक यू।